नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। हमारी दुनिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस दुनिया से बाहर की कहानी। जी हां, अंतरिक्ष में हजारों ऐसी चीजें हैं जिन पर रिसर्च चल रहा है। अर्थ के अलावा कहीं और जीवन है या नहीं, यह अलग टॉपिक है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा और भी है कि क्या अंतरिक्ष में ऐसा कुछ है जो पृथ्वी के लिए मुसीबत बन सकता है या पृथ्वी के अंत की वजह बन सकता है। ऐसे में इसरो ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि हमारी पृथ्वी की तरफ तबाही का देवता हाई स्पीड से आ रहा है। जी हाँ, और ये दुनिया को खत्म भी कर सकता है। तबाही का देवता नाम से मशहूर एक एस्टेरॉयड ओपो फिर से एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। एस्टेरॉयड को लेकर नए रिसर्च से पता चलता है कि ये पृथ्वी से टकराने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। वैज्ञानिकों ने पहले इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना को खारिज कर दिया था, लेकिन कनाडा के खगोलविद पॉल विगर्ड ने एक ऐसी स्थिति के बारे में पता लगाया जो हमारे ग्रह के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रही है। कनाडाई विशेषज्ञ पॉल विगर्ड ने हालिया शोध में अपोफिस के संभावित खतरे की चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। तबाही के देवता के नाम से मशहूर इस एस्टेरॉयड के 2029 में पृथ्वी के करीब आने का अनुमान जताया गया है, जिसके बाद इसरो ने भी इस पर चिंता जताई है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसे बेहद खतरनाक बताया है। डॉक्टर सोमनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसरो इस समय लगातार इस एस्टेरॉयड पर नजर रख रहा है, उसे ट्रैक कर रहा है। इसकी ट्रैकिंग के लिए नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट चला रहा है। इस खतरनाक एस्टेरॉयड का नाम अपोफिस है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना भी बड़ा यह एस्टेरॉयड कैसे हो सकता है जो पृथ्वी को खत्म कर सके। तो बता दें कि अपोफिस 3 फुटबॉल स्टेडियम, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम से भी बड़ा है। इसकी खोज साल 2004 में की गई थी। वैज्ञानिकों को आशंका है कि धरती से टकरा सकता है। नेट्रा के हेड डॉक्टर एके अनिल कुमार ने कहा कि इसरो का अनुमान है कि 300 मीटर से बड़ा उल्कापिंड एक महाद्वीप में तबाही ला सकता है। सबसे खराब स्थिति में अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराता है तो ये पूरे ग्रह को खत्म कर सकता है। जबकि एस्टेरॉयड का अनुमानित व्यास 340 से 450 मीटर है। 5 लाख साल पहले महाराष्ट्र के लोनार में उल्कापिंड गिरा था। आज वहां 1 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ी झील है। अब बताते हैं कि क्या वाकई एस्टेरॉयड की पृथ्वी से टक्कर हो सकती है। तो बता दें कि अपोफिस को पहली बार 2004 में खोजा गया। इसकी पृथ्वी से करीबी को काफी बारीकी से ट्रैक किया गया है। 2029 में ये पृथ्वी के सबसे करीब आएगा और फिर 2036 में और भी करीब आएगा। 2029 में खतरा कम है, लेकिन 2036 में खतरा ज्यादा है। देखा जाए तो अपोफिस नाम का एस्टेरॉयड के बारे में पहले कहा गया था कि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना बेहद कम है, लेकिन कनाडाई एस्ट्रोनॉमर पॉली विगर्ड की नई स्टडी कहती है कि अंतरिक्ष में एक छोटी सी टक्कर भी एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। हो सकता है 2034 तक एस्टेरॉयड की दिशा की टक्कर की वजह से उसकी दिशा ही बदल जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन फिलहाल वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को चिंता है और उसे ऑब्जर्व करना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।